नमस्कार दोस्तों, अमित शाह देश के गृह मंत्री, बीजेपी में नंबर दो की हैसियत के नेता और बीजेपी सरकार के हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी, आज उनकी रैली हुई और उस रैली के अंदर मैंने जो कुछ देखा वो आपको देखना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक, ये देश के गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का बयान है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है, लेकिन जहां पर हैट्रिक लगती है वहां पर लोकप्रियता की तूती बोलती है, तभी हैट्रिक लगती है। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूं और इसको आप देखिए और बताइए कि क्या वाकई बीजेपी हैट्रिक लगाने की कंडीशन में है या बीजेपी बहुत फंसी हुई स्थिति में दिखाई दे रही है। आज अमित शाह जी की रैली थी और उस रैली के अंदर काले कपड़े, काली चुन्नी, महिलाओं की काली चुन्नी, जो आदमी है उनके काली टी शर्ट, वो अलाउड नहीं थी, उसकी अनुमति नहीं थी। आप बताइए, देश के गृह मंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस मंच पर हो, उस मंच पर तो उनको खुले दिल से लोगों की बात सुननी चाहिए, लेकिन अपनी रैली के अंदर अगर वो लोगों की काले कपड़े उतरवा दे रहे हैं और काले कपड़े उतरवा करके तब लोगों को एंट्री दिलवा रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। और ये आज हुआ है, ये मैंने देखा है आज हुए। और आप कुछ तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, फिर मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं। ये देखिए किस तरीके से काले कपड़े पहने हुए महिलाओं को, नौजवानों को और जो अधेड़ उम्र के लोग थे उनको भी वापिस जाना पड़ा है। और ये क्या बीजेपी की हैट्रिक के सिंबल है या बीजेपी की करारी हार के सिंबल है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देखिए और तय करिए। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, और वो काला दुपट्टा क्या बोल रहे? काला दुपट्टा है, अच्छा काली चुन्नी के लिए मना कर रहे हैं क्या? अच्छा, आपको भी नहीं जान दिया क्या? अंदर ही जान दे रहे। क्या नाम आपका? कुलदीप कुमार। अंदर नहीं, ये कह रहे हैं कि काले कपड़े की वजह से नहीं जाने दे रहे। काले कपड़े वाला वो महिलाओं को भी काले उससे नहीं जाने दे रहे, काली चुन्नी है तो नहीं जाने दे रहे। ये तो निर्देश है आपको क्या है सर? मेरे नहीं है भाई, नहीं मेरे क्या आदेश है? ये एक लड़का जो है वो ब्लैक टी शर्ट में और मिला है, तो अब ये जा रहा है, देखते हैं इसको जाने देते हैं कि नहीं, चेक करते हैं कि वो जो महिलाएं या और लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं। क्या हुआ? ये कह रहे टी शर्ट चेंज करके आओ। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? काली टी शर्ट चेंज करके आओ। काली टी शर्ट चेंज करके आओ, नहीं जाने दे रहे अंदर। हाँ जी, आपकी ये ब्लैक टी शर्ट है? ब्लैक है जी।
और ये तो अरे भाई पीछे मत जाओ भाई मेरा साथ मत करो क्या हुआ वो अंकल हम लोग जीप काटने वाले थे पता नहीं था ब्लैक टी शर्ट पहन के यहाँ पहने में मना हो जीप काटना क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो जीप काटना क्या नहीं यानी हम लोग के नहीं पता जीरी काटने है धान काटने हम लोग पता नहीं था कि यहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहन के आने वाले आप क्या काम करते हो जीरी धान काटते धान काटते धान काटते हो भैया लोग अच्छा अच्छा हाँ क्या हुआ क्या हुआ हाँ क्या हुआ जमीन दिया रोक दिया बोलता है ये जा रखे खाने का पी हाँ इन्होंने बोला है बोलते हैं अंदर ही लोग ये जाने का ये खाने कपड़े जा रखे हैं अरे हम इसके दिया है इसको बहुत नहीं है हमने तो आज जोड़ के बहुत काले रंग की टी शर्ट पहन रखी आपकी तो काली रंग की भी नहीं है रंग उड़ गया इसका वो बोल रहे हैं ना बाकी कोई भी जाने वहाँ चेकिंग हो रही है अब आप बताइए कि देश के गृह मंत्री वो जिस रैली में आते हैं वहां पर काले कपड़ों से इतनी दिक्कत क्यों है काली चुन्नी काला टी शर्ट ये कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज तो नहीं है और अगर मान लीजिए कोई विरोध कर रहा है आपका जिस वजह से आपको इस बात का डर लग रहा है कि कोई विरोध कर देगा और इसीलिए आप महिलाओं की काली चुन्नी के लिए मना कर रहे हैं आप नौजवानों की काली टी शर्ट के लिए मना कर रहे हैं कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसको भी साफ निर्देश था कि अंदर नहीं एंट्री है और ये वहां पर एक अधिकारी नहीं कर रहा था तमाम लोगों को जो वहां पर अधिकारी थे उनको ये निर्देश थे कि काले ड्रेस में लोग नहीं आने चाहिए और यहां तक कि एक क्रू मेंबर वो मुझे नहीं पता मीडिया कर्मी था या फिर बीजेपी की ही सोशल मीडिया टीम का लोग कोई व्यक्ति था लड़का था या कौन था वो पहले काली टी शर्ट पहन करके अपना कैमरा ट्राइपॉड लेकर के रैली के अंदर जाने की कोशिश करता है जरा तस्वीर एक बड़ी स्क्रीन पर देखिए आप ये रैली के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ये शख्स मैं इसका वीडियो खुद वहां पर बना रहा था लेकिन इसको भी वो काले कपड़े उतारने पड़े और काले कपड़े उतार करके फिर उसके बाद में दूसरे किसी की सफेद शर्ट पहन करके तब इसकी एंट्री हो पाई मतलब अगर वो आपकी मीडिया आईटी सेल का आदमी है या आपकी बीजेपी के अंदर काम करने वाला आदमी है या फिर
अगर वो पत्रकार है उससे भी आपको डर लगने लगा है तो भैया फिर क्या ही कहूं मैं। मतलब आप पत्रकारों को या अपनी आईटी सेल के लोगों को अगर उनको भी काले कपड़े पहन करके नहीं जाने दे रहे हैं, इतना खौफ इतना डर है, तो हैट्रिक तो छोड़ दीजिए साहब, इसका मतलब यह है कि बहुत बुरी हालत है। और एक इंडिकेशन और मिलता है, वो ये कि ये सब कुछ हो रहा है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की सीट पर। आपकी 10 सीटें एक तरफ है, उनकी हार या जीत एक तरफ है, और बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसकी कवरेज और उसकी सीट पर हार जीत वो एक तरफ है। और ऐसा नहीं है, मैं इस बात को आपको ये बता दूं जानकारी के लिए कि ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए हारा नहीं है। मुझे अच्छे से याद है और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कवर की थी, ममता बनर्जी को चैलेंज दिया गया था नंदीग्राम के अंदर, शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज दिया था कि अगर ममता बनर्जी के अंदर हिम्मत है तो नंदीग्राम में आए और चुनाव लड़ करके दिखाए। ममता बनर्जी ने वो चुनौती कबूल की, वो नंदीग्राम में चुनाव लड़ने के लिए चली गई और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई और उस वक्त में वो सीएम थी। दोबारा उनकी सरकार बन गई लेकिन वो अपना चुनाव हार गई। लेकिन नंदीग्राम का चुनाव एक अलग चुनाव था, वहां पर फाइट थी, चैलेंज था, बीजेपी की सेंट्रल फोर्सेस थी, बहुत कुछ था वहां पर। नंदीग्राम का यहां से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। पूरी कंपैरिजन मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूं ताकि कोई आकर के मुझे ये ज्ञान ना दे कि भाजपा के क्या पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो चुनाव नहीं आ रहे हैं या कोई और दूसरी पार्टी के अंदर सिटिंग सीएम चुनाव नहीं आ रहे क्या। हाँ हारे हैं, लेकिन यहां की बात अलग है। यहां पर कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस के एक स्थानीय विधायक है मेवा सिंह, कांग्रेस ने उन्हीं को दोबारा से उम्मीदवार बनाया है, और इनेलो की तरफ से शमशेर सिंह जी की पुत्रवधू इनेलो बीएसपी का गठबंधन है, वो मैदान में है। अब वो आखिरी तक रहेंगी नहीं रहेंगी, समर्थन किसी और को दे देंगी, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको मैं एक दो दिन में और आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत कुछ संकेत आपको अमित शाह की और नायब सिंह सैनी की रैली की इन तस्वीरों को देख करके मिल रहा होगा कि हरियाणा में क्या चल रहा है। तो बहरहाल इसी तरीके से पर्दे के पीछे की चीज, पर्दे के आगे की चीज, जो दिख रहा है वो भी, जो छुपाया जा रहा है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।